जैसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है पी एक्स वाई डबल डैश प्लस क्यू एक्स वाई डैश प्लस आर एक्स वाई इक्वल टू जीरो है, इसमें हमें रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है ये चेक करना है, तो इसका तरीका क्या होता है, हम सबसे पहले लिमिट एक्स टेंड टू एक्स नोट की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, क्यू एक्स अपॉन पी एक्स के साथ, और उसमें लिमिट लगा देंगे एक्स टेंड टू एक्स नोट, यदि उसकी वैल्यू फाइनाइट आ गई एक तो ये पॉइंट होगा, सेकंड पॉइंट क्या चेक करेंगे x माइनस एक्स नोट के होल स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे आपकी बार किसके साथ आर एक्स अपॉन पी एक्स से, और लिमिट रख देंगे x माइनस एक्स नोट, और यदि ये वैल्यू भी फाइनाइट आ जाती है यानी कि ये दोनों वैल्यू यदि फाइनाइट आ जाती है तो जो हमारा एक्स नोट है ये हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन से देख लेते हैं x माइनस एक्स एक्स माइनस वन वाई डैश वाई डबल डैश एक्स वाई डैश प्लस वन अपॉन एक्स वाई इक्वल टू जीरो है, तो एक्स इक्वल टू जीरो हमारा सिंगुलर पॉइंट है, इरेगुलर है इरेगुलर है ये हमें चेक करना है, तो हमें चेक करने का तरीका क्या है, सबसे पहले x माइनस एक्स नोट यानी कि x माइनस जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, क्यू एक्स अपॉन पी एक्स, क्यू एक्स क्या यहाँ पे x, पी एक्स क्या x माइनस वन, तो x अपॉन x माइनस वन से मल्टीप्लाई करिए, और लिमिट कहाँ रख दी x माइनस एक्स नोट यानी कि x x टेंड टू जीरो हमने लिमिट रख दी, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो हमारा ऊपर जीरो बन जाएगा नीचे माइनस वन, तो ये वैल्यू आ जाएगी जीरो यानी कि ये तो फाइनाइट आ गया। आप सेकंड चेक करेंगे हम x माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस जीरो का होल स्क्वायर इंटू आर एक्स, आर एक्स क्या हमारा वन अपॉन एक्स अपॉन पी एक्स, पी एक्स क्या है हमारा एक्स माइनस वन, तो इससे हमारी मल्टीप्लाई करी हमने लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पुट करी, इसमें भी सिमिलर केस बनेगा कि एक्स की क्यूब ऊपर बन जाएगा नीचे एक्स माइनस वन, ये एक्स की क्यूब हमारा जीरो पुट करने पर ऊपर जीरो बन जाएगा नीचे माइनस वन, तो ये हमारा आ जाएगा जीरो। ठीक, तो यह क्योंकि हमारे ये दोनों फाइनेट आ गए यानी कि ये हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट दिखा होगा कौन सा, एक्स इक्वल टू जीरो हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा।